Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to take another theory of personality, that is Bronfenbrenner's ecological approach to personality. Okay, so let's start. Who was Bronfenbrenner? 1 minute. So Yuri Bronfenbrenner, a renowned psychologist, introduced a groundbreaking perspective on humans' development known as the ecological model. मतलब Bronfenbrenner एक psychologist हुए जिन्होंने की groundbreaking perspective दिया humans के development में, मनुष्य के विकास पे, मानव के विकास पे, जिसको की ecological model के नाम से जाना जाता है. Published by the Harvard University Press, his work transformed the field of developmental science by emphasizing the interrelated systems and complex interactions that shape human growth and behavior. यानी कि इनका काम जो था वो Harvard University Press से प्रकाशित हुआ और उसमें ये कहा गया कि जो developmental science है उसको उसने transform किया, पूरी तरीके से बदल दिया, ये कहते हुए emphasize interrelated system. उसने कहा, इन्होंने कहा कि हम मनुष्य जो है, मानव है, उसके बहुत सारे systems होते हैं उसके इर्द गिर्द, वो इंटररिलेट करते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उनमें कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन होता है, मतलब जटिल अंतःक्रियाएं होती हैं जिससे कि मनुष्य की वृद्धि और उसका व्यवहार परिवर्तित होता है या रूपांतरित होता है या निर्देशित होता है. Because the child's biologically influenced dispositions join with environmental forces to mold development, it also known as a bioecological model. मतलब इन्होंने ecology यानी कि जो बच्चे का environment है उसकी तो बात की ही, साथ में उसकी biology की भी बात की, मतलब वो जो लेके पैदा हुआ है, इसलिए उन दोनों के अंतःक्रिया से उसका व्यक्तित्व निर्धारण हो रहा है, इसलिए इस मॉडल को कभी कभी bioecological model भी कहते हैं. ecological model तो कहते ही हैं. Drawing from the work of psychologists like Kurt Lewin, Bronfenbrenner sought to identify crucial mechanisms that explain the reciprocal mechanism between individuals and their surroundings. जैसे Kurt Lewin की भी काम से ये प्रभावित थे, उन्हीं से इन्होंने inspiration लेते हुए individual और उसके surrounding की mechanism को define करते हुए इन्होंने ये theory अपनी दी है personality की. This model takes a holistic approach. इनका ये जो model है वो एक totality का approach है, संपूर्णता का उपागम माना जाता है. Suggesting that child development involves a dynamic interaction between environmental, societal, biological and psychological factors. ये कह रहे हैं कि जो बच्चा है, जो छात्र है, जो बालक है, उसका विकास, उसके विकास में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, एक डायनेमिक इंटरेक्शन होता है, यानी कि गतिशील अंतःक्रिया होती है किसके किसके बीच में, पर्यावरण, जो भी उस छात्र का पर्यावरण है, उसका समाज, उसकी बायोलॉजी, जो उसके जीन्स हैं, जो लेके पैदा हुआ है, और उसकी साइकोलॉजी, ये चारों मिलकर उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं. इन Bronfenbrenner's मॉडल देयर इज अ रेसिप्रोकल इंटरप्ले बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द वेरियस लेवल्स ऑफ इन्फ्लुएंस दैट इफेक्ट डेवलपमेंट. रेसिप्रोकल मतलब उत्क्रमणीय, मतलब कि एनवायरमेंट पे बालक भी इफेक्ट कर रहा है, बालक भी एनवायरमेंट पे इफेक्ट कर रहा है, रेसिप्रोकल है, इंटरप्ले चलता है किसके किसके बीच में, इंडिविजुअल के बीच में और वेरियस लेवल्स ऑफ इन्फ्लुएंस दैट इफेक्ट डेवलपमेंट. दिस थियरी सजेस्ट दैट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज इफेक्टेड बाय द डिफरेंट एनवायरमेंट्स दैट दे एनकाउंटर ड्यूरिंग देयर लाइफ. ये थियरी ये बताती है कि जो बालक का विकास है वो प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, विभिन्न प्रकार के वातावरण से, जो उसकी जिंदगी में जिसके संग इनकाउंटर दिन रात हो रहा है उसकी लाइफ में, वो कौन से हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, उसके शरीर में कुछ हो रहा है, इंटरपर्सनल, दो व्यक्तियों के बीच में कुछ हो रहा है, समाज में कुछ हो रहा है, कल्चरल है, सांस्कृतिक, ये सारे कारक प्रभावित करते हैं. दिस थियरी स्ट्रेसेस द इंटरडिपेंडेंसी एंड इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट्स. ये थियरी बल देती है, ये सिद्धांत कहता है कि लोग और उनके वातावरण के बीच की अंतःक्रिया एक दूसरे पर निर्भर करती है. Bronfenbrenner suggested that more nurturing and encouraging environments led to better developmental outcomes. Obvious है, जब आप वातावरण से इतना प्रभावित हो रहे हैं तो अगर आपका वातावरण आपको नर्चर करने वाला होगा, आपको प्रोत्साहन देने वाला होगा, तो निश्चित रूप से आपके विकास के जो परिणाम निकल के आएंगे वो बेहतर होंगे. Bronfenbrenner began developing his influential theory during the 1970s and presented his ideas in his 1979 book, The Ecology of Human Development, Experiments by Nature and Design. यानी कि 1970 से इन्होंने ये काम करने शुरू किए और 1989 में ये किताब लिखते हैं, अपनी अपने विचारों को एक किताब में प्रकाशित कराते हैं, उस किताब का नाम था The Ecology of Human Development, Experiments by Nature and Design. The book elaborated the key aspects of his theory. और इनकी बुक में इनकी थ्योरी के की एस्पेक्ट्स मिलते हैं, मुख्य बिंदु मिलते हैं. In addition to emphasizing the importance of understanding how humans develop within their environmental contexts, he also stressed that this influence is bidirectional. Human also actively shape their surroundings. ये बात पहले भी निकल के आई,
चूंकि रेसिप्रोकल है, चूंकि इंटरडिपेंडेंट है, इसका मतलब कि बालक सिर्फ वातावरण से प्रभावित नहीं होता है बल्कि अपनी सराउंडिंग्स को, अपने वातावरण को भी आकार देता है। तो इन्होंने पांच प्रकार के इकोलॉजिकल सिस्टम की बात की, यही इनकी थ्योरी का मेन क्रक्स है, यही हमको याद करना है और एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो लिखना है। कौन कौन से इन्होंने पांच हमको सिस्टम बताए? ये कह रहे हैं कि पांच सिस्टम या पांच चरण हैं जिसमें जिससे कि बालक की पर्सनैलिटी प्रभावित हो रही है, और ये जो फाइव मेन एलिमेंट्स हैं उनको इन्होंने नाम दिया माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। यही आपको समझना है, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। तो माइक्रो से शुरू करते हैं। तो माइक्रो सिस्टम है क्या? नाम में ही लिखा है माइक्रो, मतलब छोटा है ना। तो इमीडिएट एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन, यानी कि व्यक्ति का जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है, एकदम उससे लगा हुआ, जो उसके रोज का जिससे लेना देना है और उनके संग जो अंतःक्रिया होती है, वो सब माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है। इट इज द इनर मोस्ट लेवल, सबसे आंतरिक ये लेवल है, कंपोज्ड ऑफ एन इंडिविजुअल्स इमीडिएट एनवायरनमेंट। हमारा जो एकदम मतलब इमीडिएट ना, मतलब हम उससे बिल्कुल अलग नहीं है, उससे जुड़े हुए हैं, वो वातावरण। उसमें कौन से लोग आएंगे? जिनसे हम रोज इंटरेक्ट करते हैं, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारा क्लासमेट्स, हमारे टीचर्स और अदर्स, जिनसे रोज का हमारा लेना देना है। द माइक्रो सिस्टम हैज द मोस्ट डायरेक्ट इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल, और यही वो लोग हैं जिनका हम पर सबसे ज्यादा सीधा और तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। और क्या है इसमें? द रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस विद इन द माइक्रो सिस्टम आर आल्सो बाय डायरेक्शनल, है ना। इसके बीच के भी जो जो सहसंबंध है वो एक दूसरे द्वि मतलब निर्देशन में है, कि एक प्रभावित हो भी रहे हैं, प्रभावित कर भी रहे हैं। पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर क्लोज कॉन्टेक्ट्स बट दे आल्सो अफेक्ट द पीपल एंड एनवायरमेंट्स अराउंड देम। हम अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं और उनको प्रभावित करते हैं। दिस लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल मॉडल इज एसेंशियल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट एज इट अकाउंट्स फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड रिलेशनशिप दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, बिलीव्स एंड वैल्यूज। यानी कि यही जो हमारा इमीडिएट एनवायरमेंट है, वो हमारे व्यवहार, हमारे विश्वास और हमारे मूल्यों को निर्धारित करता है। एट द माइक्रो सिस्टम लेवल पर्सनल कैरेक्टर such as temperament, cognitive abilities and physical attributes can significantly impact on individual's development. यानी कि इस स्तर पर जो हमारी personal characteristics हैं, हम किस temperament के व्यक्ति हैं, हमारी संज्ञानात्मक योग्यताएं क्या हैं, हमारे physical attributes, physical गुण क्या हैं हमारे, ये सब significantly यानी कि मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। दूसरा सिस्टम क्या है? मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या हो रहा है? कनेक्टिंग द डिफरेंट माइक्रो सिस्टम, यानी कि एक व्यक्ति है, उसका माइक्रो सिस्टम है, माइक्रो सिस्टम है उसके फैमिली मेंबर्स, क्लासमेट्स, पीयर ग्रुप, टीचर, ये सब आ गए। तो ये जो माइक्रो सिस्टम है वो आपस में एक दूसरे से मीजो सिस्टम के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। द मीजो सिस्टम इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द मॉडल कंप्राइज ऑफ ऑल द रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस बिटवीन द माइक्रो सिस्टम, यानी कि माइक्रो सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसी से बन के मीजो सिस्टम बना है। Examples of mesosystems in a child's life include the interactions between their family and school or between their friends and family. देखिए, हमारा family से direct interaction है, हमारा friend से direct interaction है। Family members का आपस में क्या interaction है, friends का आपस में क्या interaction है, family का friend से क्या interaction है, ये microsystem में आता है, mesosystem में आता है। Like the microsystem, the mesosystem has a direct effect on the individual, और हमारा mesosystem भी हम पर सीधा प्रभाव डालता है। This level highlights the importance of understanding how different microsystems work together to influence an individual's development. देखिए, इससे क्या समझ में आएगी बात? जो फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली से तो हमारा इंटरेक्शन ठीक है, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका अगर आपस में इंटरेक्शन ठीक नहीं है तो वो भी हम पे डायरेक्ट प्रभाव डालेगा। इसीलिए ये हमको ध्यान में रखते हुए बालक के विकास को सुनिश्चित करने के लिए इनके मेंबर्स का आपस में इंटरेक्शन भी सही होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस द रिलेशनशिप बिटवीन ए चाइल्ड्स पेरेंट्स एंड देयर टीचर्स। मान लीजिए कि बच्चे का तो टीचर के संग इंटरेक्शन सही है, लेकिन बच्चे के जो माँ बाप है उनके टीचर से नहीं बन रही है, कोई दिक्कत है, तो वो भी बच्चे को कुप्रभाव उस पर डालेगा। तो ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि चूंकि वो लोग, जैसे शिक्षक, उसके पीयर ग्रुप, उसका उसका उनके दोस्त, उस पर डायरेक्ट प्रभाव डाल रहे हैं, तो उनसे भी हमें इंटरेक्शन सही रखना है। तो ये बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट रिलेशनशिप डालते हैं। व्हाइल द इंटरेक्शंस बिटवीन ए चाइल्ड्स पीयर ग्रुप एंड देयर फैमिली मे इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स एंड वैल्यूज। आपके दोस्तों के संग आपके परिवारजनों का क्या इंटरेक्शन है, कैसा संबंध है, ये इनसे आपके सामाजिक मूल्य और कौशल निर्धारित होते हैं। अब आया एक्सो सिस्टम, ये तीसरा लेवल है। इसमें क्या है? ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है हमको, मतलब माइक्रो सिस्टम और मीजो सिस्टम तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्सो सिस्टम इनडायरेक्ट है, यानी कि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव है।
तो एक्सोसिस्टम में आएगा क्या? द एक्सोसिस्टम रिफर्स टू एनवायरमेंट्स इन विच द इंडिविजुअल इज नॉट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, मतलब इसमें व्यक्ति एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, स्टिल ये हम पर प्रभाव डालता है. दिस लेवल इनकंपासेस द सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसमें ये इसमें क्या आएगा, वो सामाजिक परिदृश्य जिसमें हम रहते हैं. इसका मतलब इसमें आ जाएंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी, सोशल सर्विसेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, मास मीडिया. इनसे हम डायरेक्टली हम पे प्रभाव नहीं डालती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये हमको प्रभावित करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लिविंग इन ए नेबरहुड विद लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर मे फेस डेवलपमेंटल चैलेंजेस ड्यू टू दीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ये हो सकता है कि एक बच्चा है वो जिस वातावरण में रहता है वहाँ कोई बढ़िया स्कूल नहीं है, कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, तो ये डायरेक्ट आप पे तो प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप चूंकि आपके लोकेलिटी में कोई अच्छा स्कूल नहीं था तो आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, तो इनडायरेक्टली तो आप पे प्रभाव डालेगा. तो ये एक्सोसिस्टम हो गया. फिर मैक्रो सिस्टम, इसमें क्या आएगा, कल्चरल एंड सोसाइटल फोर्सेस इसमें आते हैं. द मैक्रो सिस्टम इन्वॉल्व्स द ब्रॉडर सोसाइटी एंड कल्चरल फोर्सेस, है ना. तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे वैल्यूज, आप जिस समाज में रहते हैं उनके उनके मूल्य क्या हैं, उनके मानक क्या हैं, आप किन कस्टम को मानते हैं, कौन सा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, कल्चरल बिलीफ क्या है, ये सब इसमें आएगा. सच बिलीफ्स कैन ऑल्सो वेरी बेस्ड ऑन जियोग्राफिक लोकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. इन द 21st सेंचुरी ग्लोबल इवेंट्स, अब आजकल जैसे रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ग्लोबल इवेंट है, लेकिन वो भी तो आपकी कहीं ना कहीं मूल्य को प्रभावित करता है. आपने कहीं कुछ माइंडसेट होगा आपका कि कौन सही है कौन गलत है, क्यों युद्ध चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उनका हमसे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो हमको प्रभावित करते हैं. चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स, जो नॉर्म्स बदल गए, हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन की दुनिया में आ गए, तो ये सब हमारे मैक्रो सिस्टम का हिस्सा है. ये हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन कल्चरल एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट. तो इनसे हमें ये समझना चाहिए कि ये समझ में आता है कि महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है जानना, ये कि जो सांस्कृतिक और व्यक्तिगत कारक हैं वो भी मनुष्य के विकास को प्रभावित करते हैं. और लास्ट में है क्रोनोसिस्टम. क्रोनोसिस्टम क्या है, रोल ऑफ टाइम. ब्रोनफेन ब्रेनर ने क्रोनोसिस्टम, क्रोनोलॉजी वैसे भी टाइम से रिलेटेड होता है. द क्रोनोसिस्टम इज द आउटर मोस्ट लेवल ऑफ द मॉडल, ये सबसे बाहर का है, और इसमें कह रहे हैं कि समय जो है वो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है. कैसे, जैसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस दैट अकर ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ, मतलब पूरे जीवन काल में हमने कुछ सीखा है. वेरियस लाइफ ट्रांजिशंस दैट पीपल एक्सरसाइज, मतलब हम कहते हैं ना हम ये हमेशा से करते चले आ रहे हैं, तो ये जो ओवर द टाइम जो चेंजेस आते हैं. द मॉडल रिकॉग्नाइजेस दैट एनवायरमेंट are not static. जो वातावरण है हमारा वो स्थिर तो है नहीं, वो समय के संग बदल रहा है, तो वो भी हम पर प्रभाव डालता है जैसे जैसे हम विकसित होते हैं. तो as individual progress through different stages of life, they may encounter various challenges and opportunities that shape their development. For example, a child experiencing parental divorce or the birth of a sibling may undergo significant changes in their family structure, which can impact their development in various ways. जैसे मतलब कि parent में का divorce हो गया है, वो आपको प्रभावित करेगा for the time being, for due course of time. या कोई आपके भाई बहन का जन्म हुआ तो उससे आपका पूरा जैसे आपके ऊपर जो पेरेंट्स हैं उनका कंसर्न कम होता है, थोड़ी टेकिंग केयर कम होती है, तो ये सब आपके डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं. ये देखिए, ये आप चित्र से समझ लीजिए, ये जो सबसे पास है ये इसका माइक्रो सिस्टम है, इसका इनर मोस्ट लेवल है, हम डायरेक्ट इससे कनेक्शन में हैं, इसमें फैमिली, हेल्थ सर्विसेज और नेबरहुड, पीयर, स्कूल सब आ रहे हैं. मीजो सिस्टम में क्या है, यही माइक्रो सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन. एक्सो सिस्टम में क्या है, एक्सो सिस्टम में आपके लीगल सर्विसेज, सोशल वेलफेयर सर्विसेज, मास मीडिया, ये सब. मैक्रो सिस्टम में क्या है, एटीट्यूड्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द कल्चर. और जो क्रोनो सिस्टम है वो है कि ट्रांजिशन ओवर द लाइफ कोर्स, इसमें सोशियो हिस्टोरिकल कंडीशन आ जाएंगी कि इतने समय में क्या हुआ, तो इसलिए इसको 3D मॉडल दिया गया है ना, रूप. ठीक है, फिर आप देख लीजिए कि इंटरेक्शन, सब में इंटरेक्शन होता है. इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स इन ब्रॉनफेन ब्रेनर्स थ्योरी इंटरैक्ट इन इंट्रिकेट बाई डायरेक्शनल वे. सब कहा जा रहा है कि बाई डायरेक्शनल है ना, दोनों तरह से हो रहा है. और चूंकि इकोलॉजिकल के साथ इन्होंने बायोलॉजिकल को भी ले लिया है, इसलिए इसको बायो इकोलॉजिकल मॉडल भी कहा जाता है. रेलेवेंस ऑफ द मॉडल, इसकी रेलेवेंस क्या है, एजुकेशन में इसकी रेलेवेंस है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि क्लासरूम एक्सपीरियंस वो उसका माइक्रो सिस्टम है, वो उसको कैसे प्रभावित कर रहा है. आपका बच्चे के टीचर से कैसा रिलेशनशिप है, उसके पीयर ग्रुप का कैसा उसके संग रिलेशन है, सब स्टूडेंट को प्रभावित करते हैं. तो ये सब हमको अगर ब्रॉनफेन ब्रेनर मॉडल के बारे में पता है तो हम उसको कंपेयर मतलब अकॉर्डिंगली एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उसका एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, ये सारे सिस्टम के प्रति हम संवेदनशील हों. मेंटल हेल्थ केयर, हमको पता होगा कि कम्युनिटी, सोसाइटी और कल्चर भी
इफेक्ट डालते हैं बच्चे के विकास पे, तो ये भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ये ध्यान देना चाहिए. कल्चरल सेंसिटिविटी हमें ध्यान देनी होगी. चाइल्ड एंड फैमिली पॉलिसीज, दिस मॉडल हैज आल्सो बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इन्फॉर्मिंग चाइल्ड एंड फैमिली पॉलिसीज एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है हम उससे भी प्रभावित हो रहे हैं. पॉलिसी मेकर्स कैन यूज दिस फ्रेमवर्क टू डेवलप इविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन दैट एड्रेस द कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिलीज अक्रॉस वेरियस इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. है ना, जैसे जैसे इकोलॉजी बदलेगी वैसे वैसे ही बदल जाएगा. तो ये बहुत बढ़िया मॉडल है अगर आप समझना चाहें तो. तो द इवोल्यूशन फ्रॉम इकोलॉजी टू बायो इकोलॉजी इन दिस मॉडल हैज अलाउड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम वेरियस डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव्स मेकिंग इट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क. मतलब इसलिए इन्होंने सारी चीजें कवर की. तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि इकोलॉजिकल मॉडल है पर चूंकि बायोलॉजी को भी लेता है इसलिए बायो इकोलॉजिकल मॉडल है. पांच सिस्टम की बात की गई है, माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, आपका मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम. अगर कहीं कुछ कंफ्यूज गलत हो रही हूं तो आप इसे देख लीजिए. माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, फिर मैक्रो सिस्टम और फिर क्रोनो सिस्टम है. ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी रही. आपने ये थ्योरी आपके लिए नई होगी, आपने नहीं पढ़ी होगी ज्यादा, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होती है इसलिए हम इसे नहीं पढ़ते हैं. बट दिस इज अ न्यू इंक्लूजन इन योर सिलेबस, हेंस आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस वेरी टॉपिक टू. So in this way, I have covered this a very interesting model of personality, that is Bronfenbrenner's model of ecological theory of personality. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.